डॉक्टर मनोज कुमार के पास गए हुए थे दवा कराने के लिए, वहाँ पर दिखाए, तो दिखाने के बाद जो डॉक्टर जांच लिखा तो जांच में हम लोग चले गए और बच्चा को वहीं पर इसके अंदर में बैठा दिए, बोले हम आ रहे हैं जांच करवा करके, तब से तुम बैठो। और उधर जब हम जांच करा के आए तो यहाँ पर मेरा बच्चा नहीं था। बेताउपी पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के अंदर बरामद हुई खोई हुई बच्ची। शहर के बेताउपी की प्रभारी रेखा कुमारी की तत्परता और थाने के पुलिस कर्मियों की मेहनत ने एक परिवार को उसकी खोई हुई बच्ची से मिला दिया। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की सकुशल बरामदगी महज 24 घंटे के भीतर हुई है। बच्चे के परिजनों के साथ साथ जिन लोगों ने पुलिस के इस कार्य के विषय में सुना, वे सभी पुलिस कर्मियों के कार्य की प्रशंसा करते नहीं थक गए। बताया जा रहा है कि सहरसा जिले के मोहम्मद असलम की 8 साल की बच्ची रहमती खातून दरभंगा जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ स्थित अपने ननिहाल में रहती है। सोमवार को रहमती अपने मामा अब्दुल रहीम के साथ दरभंगा आई थी। अब्दुल रहीम उसे लेकर अललपट्टी स्थित एक निजी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने गए। इसी दौरान बच्ची अस्पताल से गायब हो गई थी। अब्दुल ने अपने स्तर से बच्ची की काफी खोजबीन की पर बच्ची नहीं मिली। अंत अब्दुल बेटा ओपी पहुंचा और ओपी अध्यक्ष रेखा कुमारी को सारी बातें बताई। रेखा कुमारी ने स्वयं तत्परता दिखाते हुए अब्दुल के साथ देर रात तक बच्ची की खोज में जुटी रही। गुमशुदगी का अनाउंसमेंट भी करवाया गया। सारे पुलिसकर्मी रात भर बच्ची की खोज में परेशान रहे। अंत मंगलवार दिन के करीब 11 बजे बच्ची की सकुशल बरामदगी हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि बच्ची भटक गई थी, वह बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहेता में सब्जी बेचने वाली महिला के पास थी। रात में उसी ने खाना पीना खिलाया और अपने पास रखा था। सुबह में सूचना मिलने पर पुलिस उक्त स्थल पर गई और बच्ची को सकुशल बरामद कर बेता ले आई। इसके बाद सूचना मिलने पर बच्ची के परिजन भी बेता ओपी तक पहुँचे। कल डॉक्टर मनोज जी की यहाँ से जो है सो मिसिंग उत्पन्न हो गई थी। हम लोग पूरे रात में तरपरा से मन खोज किए, सवेरे इसका पता चला कि जो ये एक अथी के यहाँ ये है सब्जी वाला के यहाँ, उसी के यहाँ ये अपना खाया पिया रात में सोया, तभी इसको हम लोग लेके इसका परिवार का लोग थाना पर आए। बेता थाना में अभी बच्ची है। हाँ अभी जी कल हम डॉक्टर मनोज कुमार के पास गए हुए थे दवा कराने के लिए, वहाँ पर दिखाए तो दिखाने के बाद जो डॉक्टर जांच लिखा तो जांच में हम लोग चले गए और बच्चा को वहीं पर इसके अंदर में बैठा दिए, बोले हम आ रहे हैं जांच करवा करके, तब से तुम बैठो। और उधर जब हम जांच करा के आए तो यहाँ पर मेरा बच्चा नहीं था तो मैं उसको बोलबो कि ये कैमरा वैमरा चेक करवाइए, तो बोला कि ठीक है, तो वहाँ पर चेक करवाएं, तो उससे अंदर का कैमरा दिखाया और बाहर वाला बोला कि खराब है। तो हम फिर थाना चले आए, तो थाना में आए तो थाना वाला मेरे किस साथ थाना पे बेता थाना पर आए, रेखा जी नाम है ना। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस 10 नवंबर 2023 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस 20 दिसंबर 2023 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस 15 जनवरी 2024 अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।